अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नासिर ट्रैवल डायरी। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बाई रोड दुबई से सलाला ट्रिप करना चाहते हैं। अमूमन इसी तरह के सवाल लोगों के जहन में आते हैं कि ट्रैवलिंग कितनी है, कितना फ्यूल कॉस्ट है, कितने दिन का ट्रिप होना चाहिए, वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, वीज़ा ऑनलाइन मिलेगा या बॉर्डर से लेना चाहिए, कार इंश्योरेंस, रोड कंडीशन, रस्ते में कहाँ स्टे करना चाहिए, फैमिली के साथ सोलो ड्राइव की जा सकती है या नहीं। अगर आप गूगल मैप की बात करें तो दुबई से सलाला तकरीबन 1300 किलोमीटर है एक साइड के लिए, लेकिन अगेन इट्स डिपेंड कि आप कौन सा रूट चूज़ करते हैं। टोटल ट्रैवलिंग तकरीबन 2800 किलोमीटर पड़ती है और विद इन सलाला आप तकरीबन 800 से 1000 किलोमीटर चला लेते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो आपका एक एवरेज ट्रिप जो सलाला का है वो 3500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर के दरमियान हो सकता है। फ्यूल कॉस्ट आपकी गाड़ी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली एक गाड़ी जो 2.5 लीटर है वो तकरीबन एक लीटर में 9 से 10 किलोमीटर एवरेज निकालती है। तो अगर आप 3600 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो एवरेज आपका जो फ्यूल है वो 400 लीटर है, और करंट प्राइस के मुताबिक अप्रोक्सीमेट जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी फ्रॉम होम टू होम लाइक दुबई टू दुबई वो अप्रोक्सीमेट एवरेज कॉस्ट तकरीबन 900 दिरहम तक हो सकती है। अमूमन ये सवाल पूछा जाता है कि सलाला कितना बड़ा है और कितने दिन का ट्रिप होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आइडियल ट्रिप 7 डेज़ का होना चाहिए, जिसमें आप सलाला 5 डेज मैक्सिमम पॉइंट्स को घूम सकते हैं जो टॉप 10 पॉइंट्स हैं, और बाकी 2 दिन आपके ट्रैवलिंग में गुजर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर आप दुबई से अलैन बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। अलैन के बॉर्डर पर इंटर होने से पहले आपको यूएई का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। वहाँ पर एक चेक पोस्ट है और वहाँ पे आपको 35 दिरहम पर पर्सन एग्जिट फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ टोटल 2 फैमिली मेम्बर्स और आप हैं तो अप्रॉक्सीमेट आपकी 100 दिरहम की कॉस्ट है। वो एग्ज़िट फ़ी पे करने के बाद आप यूएई को एग्ज़िट करेंगे और आप ओमान बॉर्डर पे इंटर हो जाएंगे। ओमान बॉर्डर पे इंटर होने के बाद सबसे पहले आपको अपना वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन उस वीज़े से पहले आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अच्छा, अब बहुत सारी कंपनीज़ आपको ऐसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जो ओमान या कतर कवर करती है। अगर आपके पास ऐसी इंश्योरेंस है जिसमें ओमान या कतर कवर्ड है तो सबसे पहले आपको ट्रैवल करने से पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उनसे ऑरेंज कार्ड लेना पड़ेगा। ऑरेंज कार्ड के बगैर आप ओमान में इंटर नहीं हो सकते। अगर आपकी कंपनी आपको ऑरेंज कार्ड प्रोवाइड नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि बॉर्डर पर जाके आपको कार इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। कार इंश्योरेंस के लिए बॉर्डर पर एक सेपरेट बिल्डिंग है। अगर 5 दिन या उससे कम के लिए आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट 129 दिरहम तकरीबन 129 दिरहम आएगी, और अगर आप 5 से 10 दिन के दरमियान ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 179 दिरहम है। कार इंश्योरेंस पेपर लेने के बाद आप दोबारा इमिग्रेशन की बिल्डिंग में आएंगे। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आप तमाम पर्टिकुलर्स अपने और अपनी फैमिली के पर्टिकुलर फिल करने के बाद आप इमिग्रेशन ऑफिसर को अपना पासपोर्ट और वो पेपर दे देंगे। वो आपके तमाम पर्टिकुलर्स चेक करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के प्रोसेस में आपको वीज़ा स्टैम्प कर देगा। अगर आप नॉर्मल डेज में ओमान में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यही रिकमेंड है कि आप बॉर्डर पे जाके वीज़ा ले सकते हैं। इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टोटल इंश्योरेंस से लेके वीज़ा पेस्टिंग तक और वीज़ा स्टैंपिंग तक तकरीबन 40-45 मिनट का प्रोसेस है। लेकिन अगर आप किसी वीकेंड पे, किसी त्यौहार पे या नेशनल हॉलीडेज़ पे ओमान को ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए रिकमेंडेशन है कि आप ऑनलाइन वीज़ा लें। ऑनलाइन वीज़े में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो आपका बॉर्डर पर वेस्ट हो सकता है वो आप सेव कर सकते हैं। मेरे ट्रिप के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल ये था कि क्या आप दुबई से सलाला सोलो ड्राइव कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो मेरा जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि मैं अकेले ही ड्राइव करके दुबई से सलाला गया था। हाँ, रास्ते में आपको एक जगह स्टे करना पड़ेगा, वो आपके लिए, फैमिली के लिए और आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। सलाला के लिए जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करें ताकि आप शाम तक या रात के किसी पहर तक आप सलाला पहुँच जाएँ। लेकिन चूंकि मैं रात को 8 बजे यहाँ दुबई से निकला था और तकरीबन 10 बजे हम बॉर्डर पे थे, और तकरीबन 40-45 मिनट्स की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम 11 बजे अलैन बॉर्डर से निकले थे, और हम ओमान का जो पहला शहर है वो इबरी आता है, वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव पर है, और हम रात को तकरीबन 1:30 या 2 बजे के करीब वहाँ पहुँचे थे। अलैन बॉर्डर से लेके इबरी तक की जो रोड कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, बहुत बम्पी रोड है, रोड के ऊपर कैमराज हैं, और सबसे मेन प्रॉब्लम कि आपको कोई दूर दूर तक लाइट रोड के ऊपर नज़र नहीं आएगी। अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हाई बीम पर ट्रैवल करना पड़ेगा, और नॉर्मली आपको वहाँ पे कोई ट्रैफिक या कोई गाड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ही सुनसान रोड है। ओमान में डिफरेंट रोड की डिफरेंट स्पीड लिमिट है,
नॉर्मली जो आपको रोड मिलेगा मेन रोड पे वो 120 किलोमीटर है और उसमें 20 का मार्जिन है, यानी आप 140 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं जैसे आप जूई में ड्राइव करते हैं। अलैन बॉर्डर से लेके इबरी तक चुके 200 या 250 किलोमीटर का सफ़र है और उसमें डिफरेंट कैमरेज हैं और स्पीड लिमिट चेंज होती रहती है, तो आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा, अदरवाइज कैमरा फ्लैश कर सकता है। इबरी में आप नाइट स्टे करें, नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग आप नाश्ता करें और उसके बाद आप सलाला के लिए निकल सकते हैं। इबरी से सलाला तक आप दो रूट जाते हैं, इट्स डिपेंड कि आप कौन से वक्त पे जा रहे हैं और आपको कौन सा रूट चूज़ करना है। मैंने दोनों रूट्स की इंफॉर्मेशन अपनी वीडियो में डाल दी है। अगर आप रात को ट्रेवल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको रूट वन चूज़ करना चाहिए जो कि अलैन से इबरी, इबरी से निसवा, निसवा से एडम, एडम से थुमरेट और थुमरेट से आप सलाला पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि ये डिफरेंट शहरों से होता हुआ आपको सलाला पहुंचाएगा। आपको बहुत कम डिस्टेंस पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। रूट नंबर टू है एक्सप्रेस हाईवे, जो ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं। अगर आप गूगल मैप पे जाएंगे तो गूगल मैप पे भी आपको यही रास्ता दिखाएगा, अलैन से इबरी, इबरी से फिर आप तानम का एग्ज़िट लेंगे, वहाँ से आप हाइमा, हाइमा से थुमरेट और थुमरेट से आप सलाला पहुँच सकते हैं। डे ड्राइव के लिए ये रूट आपके लिए बेस्ट है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको पेट्रोल पंप बहुत कम मिलेंगे। तकरीबन 300, 400 या 500 किलोमीटर के बाद आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी टैंक कैपेसिटी पर रिलाई ना कीजिएगा। अगर आपको रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप मिल रहा है, आप वहाँ पर अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक को फुल करवा सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यही रिकमेंडेड है कि रास्ते में गाड़ी को कुछ जगह पे स्टे करवाएं, उससे गाड़ी को भी रेस्ट मिलेगा, आपको भी रेस्ट मिलेगा। गाड़ी का जो रेडिएटर है उसके ऊपर पानी वगैरह लगा के आप उसको काफ़ी हद तक कूल डाउन कर सकते हैं। एक्सप्रेस हाईवे पे आपको फिक्स कैमरे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन ओमानी पुलिस पोर्टेबल कैमराज के ज़रिए आपकी स्पीड को मॉनिटर करती है। इबरी से सलाला तक रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो 200 प्लस पे भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि सलाला किस मौसम में जाना चाहिए। अगेन आई विल रिकमेंड सिर्फ खरीफ सीजन में, जो आपका मानसून का सीज़न है, जो कि जून से लेके अगस्त तक या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक। आप बाकी मंथ्स में भी सलाला जा सकते हैं जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी या अप्रैल में, लेकिन आपको वो ग्रीनरी या वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक आपको सलाला वैसा नहीं मिलेगा। पीक सीज़न में सलाला जाने के कुछ नुकसान हैं जो कि मैंने पहले बताया था कि लोगों को बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ होती है, आपको पार्किंग नहीं मिलती, मौसम बहुत एक्सट्रीम पर होता है, ज़्यादातर बारिश की वजह से कीचड़ होता है और आप अच्छे तरीके से मौसम को एंजॉय नहीं कर सकते। और स्पेशली वो लोग जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं ड्रोन, DSLR, तो मौसम मिस्ट होने की वजह से, फॉग या बादल होने की वजह से आप अच्छे तरीके से फोटोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कैमरों के लेंस के सामने फॉग आ जाती है। सलाला जाने से पहले अपने होटल्स की बुकिंग कन्फर्म करके जाएँ, स्पेशली पीक सीज़न में, ताकि वहाँ पहुँच के आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सलाला सिटी कंपैरेटिवली इतना बड़ा नहीं है, तो आप शहर में कहीं भी होटल ले लें, आप इजीली तमाम विजिटिंग पॉइंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में अपने पॉइंट्स को विजिट करें और शाम को वापस आप अपने होटल पे आ सकते हैं। तो 5 या 7 डेज़ के स्टे में आप अपने एक ही होटल से तमाम सलाला को विज़िट कर सकते हैं। अमूमन लोग ये सवाल पूछते हैं कि सलाला का ट्रिप कैसे प्लान करना चाहिए, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको किसी टूर गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपना सलाला का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपको टॉप 5 और टॉप 10 प्लेसेस इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा विजिट की जाती हैं। आप अपना गूगल मैप ओपन करें, आप उन पॉइंट्स को सर्च करें, ऑन द वे आपको कोई भी अच्छा पॉइंट मिलता है, कोई अच्छा बीच मिलता है, अच्छा पार्क मिलता है, अच्छी वैली मिलती है, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे फर्स्ट डे पर क्या प्लान करना है, सेकेंड डे पर, थर्ड डे पर, फोर्थ डे पर क्या प्लान करना है। आप गूगल मैप से अपनी तमाम प्लानिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से टॉप 10 प्लेसेस जो सलाला में विज़िट की जा सकती हैं वो एनकरकीस, वादिय दरबत, मुखसेल बीच, जबले एतन, जबले समहान, एनखोन वाटरफॉल, तारीस बीच, नबी अयूब अलैहिस्सलाम टॉम, वादिय नहीस और फ़ज़ाया बीच,
ये टॉप 10 प्लेसेस है जिनको सलाला में विजिट किया जा सकता है। सलाला में आपको कुछ इस्लामिक पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, जैसे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मकबरा, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का मकबरा जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बाबा हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकबरा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के निशान मिल जाएंगे आपको, इसी तरह सहाबी रसूल हज़रत अवैस करनी का मकबरा भी आपको मिल जाएगा, और एक मोहम्मद बिन अली अल हबीब जो कि नवासे अली अलैहिस्सलाम के नाम से जाने जाते हैं, उनका मकबरा भी आपको सलाला में मिल जाएगा। सलाला में मैक्सिमम पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेडान कार पर एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको 4x4 कार चाहिए होगी, जैसे शात बीच, एन खोर वाटरफॉल, फ़ज़ाया बीच और अबंडन शिप, और यमन बॉर्डर पे कुछ बीचेस हैं जिनके लिए आपको 4x4 चाहिए होगी, क्योंकि नॉर्मली आपको कुछ पहाड़ी पे और कुछ रेत पे ड्राइव करने के बाद आप उन बीचेस तक एक्सेस कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, जब कभी भी आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ जाएँ तो सेफ्टी मेजर्स को यकीनी बनाएँ, और जहाँ पर सेफ्टी लाइन्स उसको क्रॉस ना करें ताकि आप किसी नामुमकिन हादसे से बच सकें। चलें अब ड्रोन की बात करते हैं कि आप ओमान या सलाला में ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप इंटरनेट की बात करें तो आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप ओमान में ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन पहले दिन हमने वहाँ की सलाला पुलिस से पूछा था तो उन्होंने हमें वहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने की परमिशन दी थी। उसकी रीज़न ये है कि पीक सीज़न में आपको ड्रोन फ्लाई नहीं करने दिया जाता ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न्स, क्योंकि रश होता है, पब्लिक रश की वजह से, सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से आपको ड्रोन फ्लाई नहीं करने दिया जाता। लेकिन नॉर्मल सीज़न में लाइक खरीफ सीज़न के बाद जब आप जाते हैं, जब लोगों का रश बहुत कम है, तो वहाँ की ओमान पुलिस यानी सलाला पुलिस ने ख़ुद अलाउ किया था कि आप ड्रोन को केयरफुली वहाँ पर फ्लाई कर सकते हैं। तो ओमान पुलिस की परमिशन के बाद ये तमाम वीडियोस बनाई गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ओमान में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि कैमल्स आपको रोड पे बहुत मिलेंगे तो आपको बहुत एहतियात के साथ और अटेंशन के साथ गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे खरीफ सीज़न यानी मूनसून के सीज़न में आपको मॉस्किटोज़ एंड इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आपको कोई ना कोई मॉस्किटो किलर या इंसेक्ट किलर अपने साथ रखना चाहिए ताकि आप इस तरह की चीज़ों से बच सकें। इसी तरह बारिश के सीज़न में वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कीचड़ होता है, तो आप अपने साथ मड शूज़ और अम्ब्रेला वगैरह अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप करेंसी की बात करें तो एक ओमानी रियाल तकरीबन 9.5 दिरहम के बराबर है, इसलिए अगर आप 10 दिरहम एक ओमानी रियाल के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहें तो ओमान में ईजीली आपके दिरहम्स को एक्सेप्ट किया जाता है। ऑन द अदर साइड अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं, जो कि मैंने ख़ुद यूज़ किया है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फेवर में है, इवन के बैंक कन्वर्जन रेट के बाद भी आपको बहुत बेहतर प्राइस में आपको मिल जाता है। तो आइदर आप दिरहम यूज़ करना चाहें बगैर ओमानी रियाल को कन्वर्ट किए बगैर, या अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहें, बोथ आर फेवरेबल। मोक्सेल बीच मेरी फेवरेट प्लेसेस में से एक प्लेस है, और अगर आप सलाला सिटी से बात करें तो तकरीबन ये 50 किलोमीटर यानी एक घंटे की ड्राइव पर है। मोक्सेल बीच और मरनीफ केव आपस में लिंक्ड हैं और आप यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। एक और बहुत मज़े की जगह कैरून हरीती, जिसका बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अगर आप सलाला में जाकर गूगल पे सर्च करें तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे आपको ग्रीन मीडोज़ और लश ग्रीन वैलीज़ मिलेंगी, जहाँ पे आप ड्राइव थ्रू कर सकते हैं, आप अपना ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, और अगर आप बारबेक्यू करना चाहें तो आप किसी भी जगह पर रुक के बारबेक्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वादी है, और इसी साइड पर आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मकबरा भी इसी साइड पर आपको मिलेगा। अगर आप सलाला सिटी से मोक्सेल बीच जा रहे हैं तो मोक्सेल बीच से आगे आप फ़ज़ाया बीच तक भी जा सकते हैं, उससे आगे आपको मिर्बत मिल जाएगा, और मिर्बत के बाद आपको जबले समहान। जबले समहान ओमान का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। अगर आप उस माउंटेन की टॉप पर जाएं, इजीली आप अपनी गाड़ी पर जा सकते हैं। जब आप माउंटेन की टॉप पर पहुँचते हैं तो आपको महसूस होता है, बल्कि आपको नज़र आता है कि बादल आपके नीचे हैं। That is the most beautiful part कि आप जबले समहान पे जाएं, और स्पेशली पीक सीज़न में जाएं तो आप इस सहरंगेज़ मंजर से लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं। जबले समहान से जब आप वापस सलाला की तरफ आते हैं तो डेफ़िनेटली आपको गूगल मैप का ही सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उस गूगल मैप पे अगर आप रास्ते को देखें और आप गाड़ी को ड्राइव करें तो इतना खूबसूरत जगह है कि आपको ऐसे यकीन होता है, ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। इसलिए
सलाला को ज्यूल ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है, इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। और नो डाउट पीक सीज़न में ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत इकोनॉमिकल जगह है। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप जूही से ड्राइव करके जा सकते हैं और बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस में आप इस जगह को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। सलाला में आपको पाकिस्तानी या इंडियन फूड बहुत आराम से मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स का टेस्ट कोई इतना अच्छा नहीं है। द बेस्ट एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है, हमने अल कादरी रेस्टोरेंट के नाम से, जो कि सलाला सिटी के अंदर ही है, अगर आपको कभी जाने का इतफाक़ हो और अगर आपके होटल के करीब हो तो आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बहुत आला क्वालिटी का खाना है, बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे उनके टेस्ट को। सलाला जाते हुए या वापसी पे आते हुए अमूमन आपको नाइट ड्राइव से मना किया जाता है। उसकी दो रीज़न्स हैं, एक तो बहुत सारे पैच पे आपको सिंगल रोड मिलेगा, यानी जिसके ऊपर गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा एरिया चूँकि डेजर्ट की वजह से है, साथ में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, कैमराज नहीं हैं, तो लोग बहुत स्पीड पर आते हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा रात को प्रॉब्लम है कि आगे से आने वाली गाड़ी चूँकि हाई बीम पर आ रही होती है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जज करना कि आपको अपनी लेन में कैसे रहना है। तो इस वजह से हादसात से बचने के लिए नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप सलाला से निकलेंगे, सलाला जा रहे हो, तो रात को आप सफ़र करने से गुरेज करें। अगर आपको रास्ते में कहीं रुकना पड़े तो आप नाइट स्टे कर लें। दुबई से सलाला जाते हुए हमने इबरी में स्टे किया था और तकरीबन हमें 100 दिरहम के करीब होटल मिल गया था, जो कि बहुत मुनासिब प्राइस थी और बहुत रीज़नेबल होटल था फैमिली के लिए। और वापसी पे आते हुए सलाला से दुबई आते हुए हमने हाइमा में स्टे किया था, वहाँ तकरीबन हमें 120 दिरहम में होटल मिला था। हाइमा में एक पेट्रोल पंप है, शेल का पेट्रोल पंप, उसके बिल्कुल साथ ही एक नया होटल बना है, शायद आपको गूगल पे ना मिले। सलाला के अंदर वादी दरबत एक डेफिनेटली पीक विजिटिंग पॉइंट है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट व्लॉग भी बनाया कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और वादी दरबत में कौन कौन सी चीज़ें या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। आप फुल डे का ट्रिप रख सकते हैं, वहाँ पे आपको वाटरफॉल मिल जाएगी, आपको बोटिंग मिल जाएगी, इसके अलावा बच्चों का प्ले एरिया है, आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं एक दो, आप वहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियन फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई भी मुझसे ये पूछना चाहे कि कौन से मौसम में सलाला जाना चाहिए, तो मैं सिर्फ खरीफ सीज़न में ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो बारिश का सीज़न होता है, उसमें आपको वाटरफॉल्स में मैक्सिमम पानी मिल जाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी मिल सकती है। मेरे ख्याल से सलाला के बारे में मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में डाल दी है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट में मैंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।